नमस्कार शिक्षक बंधुगण, मु मानस आपण मानंकु निष्ठा ट्रेनिंग मॉड्यूल 13 रो सेट 1 एवं सेट 2 रो सेल्फ असेसमेंट वीडियो को स्वागत करूछि। एही वीडियो रे आमे सेट 1 रो 10 टी प्रश्न एवं सेट 2 रो 5 टी प्रश्न रो सटीक उत्तर आलोचना करिबा। जदि आपण आमर एही वीडियो को नुवा करि देखुछन्ती तेबे आमर एही YouTube चैनल CDEF हॉल को दयाकरि सब्सक्राइब करंतु, बेल आइकन प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन को ऑन करंतु, वीडियो को लाइक करंतु, शेयर करंतु एवं निजर मतामत को कमेंट करी जणांतु। मॉड्यूल 13 सेट 1 नो प्रथम प्रश्न टी होउची, गोटे विद्यालय रे कर्मचारी मानक शिक्षण एकत्रीकरण पई केउटी सर्वोत्तम मंच अटे? खेलपडिया, श्रेणी गृह, कर्मचारी बैठक, रोसई घर। तो ऑप्शन सी कर्मचारी बैठक होउची एहार सटीक उत्तर। शिक्षार्थी शिक्षण उपरे विद्यालय नेतृत्व प्रत्यक्ष प्रभाव सूचित करे। विद्यालय निरीक्षण हाथ को नेबा, श्रेणी रे शिक्षादान शिक्षण प्रक्रिया गुड़ी करे नियोजित करिबा, शिक्षार्थी मानक टिप्पणी खाता को विक्षिप्त भावे तदारख करिबा, नूतन शिक्षादान पद्धति को परीक्षा निमन्ते शिक्षक मानक सहायता करिबा। तो ऑप्शन बी हेउछि एहार सटीक उत्तर। विद्यालय विकास योजना उपयोगी होइ नथाय, विद्यालय एक दृष्टिभंगी प्रस्तुत करिबा, विद्यालय संपर्कित क्षेत्र गुड़िकर मान निर्धारण करिबा, विद्यालय पर उपलब्ध थिबा संबल गुड़िकर आकलन करिबा, केवल प्रशासनिक उद्देश्य समूह। ऑप्शन डी केवल प्रशासनिक उद्देश्य समूह होउछि एहार सटीक उत्तर। एथिमध्यरु केउटी सक्रिय शिक्षण पई सत्य नुहे? सक्रिय शिक्षण सहपाठी शिक्षण को उत्साहित करे, सक्रिय शिक्षण व्यक्तिगत शिक्षण को उत्साहित करे नहीं, सक्रिय शिक्षण विश्लेषणात्मक चिंतन उपरे गुरुत्व दिए, सक्रिय शिक्षण रे शिक्षक जणे सहायक अटंती। तो ऑप्शन बी सक्रिय शिक्षण व्यक्तिगत शिक्षण को उत्साहित करे नहीं होउछि एहार सटीक उत्तर। निम्नोक्त मध्यरु केउटी विद्यालय गुड़िकर एक शिक्षण संस्कृति विकास धारणा को सर्वोत्तम भाव वर्णना करिथाय? शिक्षण फलाफल समूह, विद्यालय विकास योजना, एक साधारण दृष्टिभंगी सृष्टि करिबा, दलगत शिक्षण। तो ऑप्शन डी दलगत शिक्षण होउछि एहार सटीक उत्तर। केउटी शैक्षिक नेतृत्वर मुख्य उपादान नुहे? सक्रिय शिक्षण, शैक्षिक प्रसंग भित्तिक ज्ञान, शैक्षिक परिदर्शन, प्रशासनिक नीति एवं विधिविधानर बोधगम्यता। तो ये चारोटी ऑप्शन मध्यरु ऑप्शन डी प्रशासनिक नीति एवं विधिविधानर बोधगम्यता होउछि एहार सटीक उत्तर। केउटी शैक्षिक प्रसंग भित्तिक ज्ञानर धारणा गठन करे नाही? विषय निर्दिष्ट ज्ञान, विषयर शैक्षिक बोधगम्यता, विविधता एवं शिक्षार्थी मानक शिक्षणर बोधगम्यता, विद्यालय भित्तिभूमि। तो ऑप्शन डी विद्यालय भित्तिभूमि होउछि एहार सटीक उत्तर। निजकु जणे विद्यालय शिक्षक मुख्य रूपे विकसित करिवार तीनोटी उपादान कौन? ज्ञान, जोगाजोग एवं नकारात्मक चिंतन, ज्ञान कौशल और मनोवृत्ति। सकारात्मक चिंतन कठोर हेबा, जोगाजोग, मनोवृत्ति कौशल एवं जोगाजोग। तो ऑप्शन बी ज्ञान कौशल एवं मनोवृत्ति होउछि एहार सटीक उत्तर। जणे विद्यालय मुख्य रूपे गोटे प्रधान शिक्षकक निश्चित कौन भूमिका हेबा दरकार? जणे मुख्य हेबा, स्थिति अनुसार मुख्य हेबा, कार्य अनुसार मुख्य हेबा, स्थिति सहित कार्य अनुसार एक मुख्य हेबा। तो ऑप्शन डी स्थिति सहित कार्य अनुसार मुख्य हेबा होउछि एहार सटीक उत्तर। जणे फलप्रद मुख्य हेबा निमित्त निजर कौन दुईटी गुरुत्वपूर्ण विशेष गुण आवश्यक? प्रशासक एवं परिचालक, संगठक एवं योजना प्रस्तुतकारी, एक सृष्टिकारी एवं सकारात्मक दृष्टिभंगी, विघ्नकारी एवं असंतोष मनोवृत्ति। तो ऑप्शन सी एक सृष्टिकारी एवं सकारात्मक दृष्टिभंगी ऑप्शन टी होउछि सटीक उत्तर। वर्तमान आमे 10 टी प्रश्न रो उत्तर दे सारीछे, तो कौनसी प्रश्न एठारे स्किप करना है, तो यह आसतु सबमिट करवा। सबमिट कर सारापर आपने देखिपे आमर स्कोर 10 को 10 अच्छी, तेणु आमर समस्त प्रश्नर उत्तर सठिक अच्छी। सेट 2 मॉड्यूल 13 सेल्फ आसेसमेंटर प्रथम प्रश्नटी हूँ, निम्नोक्त मध्यरु कहा द्वारा पितामाता विद्यालय मुख्य मैंने एक गणतांत्रिक स्थान सृष्टि करती ना? भेटा निमित्त सप्ताह को 3 थर एक निर्धारित समय रखा, पिलामानंक शिक्षण को प्रभावित करुथुवा जेकोनोसी प्रसंग उत्थापन करिबाकु सुजोग देबा, सेमानंक पिलामानंक विकास उपरे पितामातांक सहित शिक्षक मानंकु क्रिया प्रतिक्रिया करिबाकु उत्साहित करिबा, पिलामानंक परीक्षा फलाफल विनिमय करिबा पई केवल सेमानंकु डाकिबा। तो ऑप्शन डी हेउछि एहार सटीक उत्तर। एथिमध्यरु केउटी शिक्षण संस्कृति को दृढ़ करिपारिब नाही? तर्क सभा, अभिनय, कलापटरु अंध भावे नकल करिबा, सूचना और जोगाजोग प्रजुक्ति विद्या आधारित वेब संबल गुड़ी व्यवहार करिबा। तो ऑप्शन सी कलापटर अंध भावे नकल करिबा हेउछि एहार सटीक उत्तर। गोटे विद्यालय कर्मचारी मानक शिक्षण एकत्रीकरण पई केउटी सर्वोत्तम मंच अटे? खेलपड़िया, श्रेणीगृह, कर्मचारी बैठक, रोसई घर। तो ऑप्शन सी कर्मचारी बैठक हेउछि एहार सटीक उत्तर। जणे फलप्रद विद्यालय मुख्य हेबा पई
ସ୍ୱଗୁରୁତ୍ୱର ବିକାଶ କାହିଁକି ଦରକାର ଆତ୍ମସଚେତନତାର ବିକାଶ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଜଣେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୁଖ୍ୟ ରୂପେ ବହୁବିଧ ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକୁ ହାତକୁ ନେବା ପାଇଁ ଜଣକୁ ସମର୍ଥ କରିବାରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମିତ୍ତ ସ୍ୱବିକାଶ ଆଗେଇ ନିଏ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ରୂପାନ୍ତରଣରେ ସ୍ୱବିକାଶ କରିବା ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ସ୍ୱବିକାଶ କରିବା ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତ ଅପସନ୍ ବି, ଜଣେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୁଖ୍ୟ ରୂପେ ବହୁବିଧ ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକୁ ହାତକୁ ନେବା ପାଇଁ ଜଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥ କରିବାରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମିତ୍ତ ସ୍ୱବିକାଶ ଆଗେଇ ନିଏ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଜଣେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୁଖ୍ୟଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହାତକୁ ନିଏ, ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଅନ୍ୟ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ସହ ସହଭାଗିତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବା। ତ ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଏଥିମଧ୍ୟ ଆମେ 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଛେ, କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ସ୍କିପ୍ କରିନାହିଁ। ତ ଏହାକୁ ସବମିଟ୍ କରିକି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ସ୍କୋର କେତେ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ସ୍କୋର 5 to 5 ରହିଛି, ତେଣୁ ଆମର ସମସ୍ତ ଉତ୍ତର ସଠିକ୍ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।